Dear student, this is another video of the chapter dissolution of partnership firm. बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे. 28 के दो पार्ट हैं, ए और बी. ए पार्ट में आपको करवा रही हूँ, बी आप करेंगे. पहले क्वेश्चन को सुन लो. एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:2:1. एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:10, 2:10, 1:10 है. एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज ऑन 31 मार्च 2018 एज अंडर. बैलेंस शीट दे रखी है 2018 31 मार्च की. लाइबिलिटीज हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है. ये दोनों के दोनों रियलाइजेशन भी क्रेडिट में आ जाएंगे बाय क्रेडिटर्स और बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी. कैपिटल अकाउंट के बैलेंस रखे हैं एक्स वाई जेड की, ये हम कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बोर्ड और लिख देंगे. उसके बाद हम एसेट साइड देखते हैं, कैश इन हैंड है तो हम लास्ट में क्या बनाएंगे, कैश का अकाउंट बनाएंगे. रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बनाएंगे कैश अकाउंट. डेटर्स स्टॉक शेयर्स पेटेंट्स मशीनरी बिल्डिंग गुडविल ये सारी हमारी एसेट्स हैं जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन की डेबिट में. जो शेयर्स दिए हुए बेटा वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, 31 मार्च 2018 इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. ये हमने ये सोचा हमारी फर्म क्या हो जाए, बंद हो जाए. तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक्स इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 7300. एक्स जो है बिल्डिंग 7300 की ले गया, तो जो बिल्डिंग दी हुई है वो हम पहले तो ट्रांसफर कर देंगे टू बिल्डिंग अकाउंट करके रियलाइजेशन की डेबिट में. एक्स बिल्डिंग टेक ओवर कर रहा है तो बाय एक्स कैपिटल कर देंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट में. और जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें टू रियलाइजेशन लिख देंगे 7300 एक्स के अकाउंट में. उसके बाद सेकंड पॉइंट है, व्हाई हु विल कंटिन्यू विद बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट देयर बुक वैल्यू पेटेंट्स एट 6500 एंड मशीनरी एट 1500. ही आल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर्स. व्हाई दूसरा पार्टनर है वो क्या कहता है, गुडविल जिसकी वैल्यू हमें 3000 दी हुई है, स्टॉक जिसकी वैल्यू हमें 3498 दी हुई है, डाटा जो हमारे वो 1746 दिए, सारे के सारे बुक वैल्यू पर ले गया, और पेटेंट जो है 6500 की ले गया, मशीनरी जो 1500 की ले गया. सबको प्लस कर देंगे और लिख देंगे रियलाइजेशन क्रेडिट में बाय वाइस कैपिटल अकाउंट. और जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें डेबिट में टू रियलाइजेशन कर देंगे, लिख देंगे. इसके बाद ही आल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर, वो क्रेडिटर की पेमेंट करने को तैयार है, तो रियलाइजेशन की डेबिट में लिख देंगे टू वाइस कैपिटल पेटेंट्स क्रेडिटर्स पेड ऑफ. और वो कहां पर आ जाएगा, जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे. नंबर थर्ड, जेड एग्री टू टेक ओवर द शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड एज 5 रुपीज ईच. जो जेड पार्टनर है वो कहता है कि जो सी कंपनी के शेयर्स है मैं 5 रुपए के हिसाब से ले जाऊंगा. 60 शेयर्स हैं, 5 रुपए के हिसाब से 300 रुपए के शेयर बनते जेड लेके जा रहा है, तो हम रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय जेड कैपिटल लिख देंगे और जेड कैपिटल में टू रियलाइजेशन लिख देंगे. अगला पॉइंट देखिए, द शेयर इन बी कंपनी लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बी कंपनी के जो शेयर्स है देखिए 2000 के भी क्वेश्चन में दे रहे हैं, वो इनकी रेशियो में बांट देंगे 7:10, 2:10 और 1:10 किसमें, एक्स वाई जेड में. तो हम लिख देंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट. जो ये शेयर्स हैं वो उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:10, 2:10, 1:10. और फिर हम क्या करेंगे, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें डेबिट साइड टू रियलाइजेशन लिख देंगे, पार्टनर का जो अमाउंट निकलेगा जो वो उनके अकाउंट्स में डाल देंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई है. देखो क्रेडिटर तो पे ऑफ हो गए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो मशीनरी के ऊपर बनाया जा रहा है, तो इसकी पेमेंट थोड़ी करते हैं हम, ये नहीं करेंगे. अब क्वेश्चन पूछा क्या गया, शो द लेजर अकाउंट टू रिपोर्ट द डिसोल्यूशन. हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो लेजर में बेटा क्या क्या बनाना है, एक तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, एक हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और एक हमें क्या बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है. तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट. फॉर्मेट आता है आपको पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है. ये साइड डेबिट साइड है, यहां पर लिख दिया हमने पहले पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट, ठीक है बेटा. हम क्रेडिट साइड भी लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड वो दे रखी है, जितनी एसेट्स है कैश को छोड़कर सारी एसेट्स जो है ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड रियलाइजेशन की. जैसे
हमें डेटर्स दे रखे हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं टू डेटर्स अकाउंट, ये बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किए जाते हैं जो बुक्स में इसकी वैल्यू दी होती है 1746। उसके बाद देखिए टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक ट्रांसफर हो गया हमारा कितना 3498। उसके बाद हम बात करें, अब हमें क्वेश्चन में दो तरह के शेयर दे रखे हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर है बेटे, ये शेयर्स क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने अलग अलग कंपनी के शेयर्स कर रखे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 200 शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड और 60 शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड, 2000 के एक शेयर्स हैं और 480 के दूसरे शेयर्स हैं सी कंपनी के। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमारे पास पेटेंट्स है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सारी हमारी क्या है बेटा एसेट्स है, तो सारी एसेट को क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे, तो आप लिखिए टू पेटेंट्स, पेटेंट्स की वैल्यू 7600 दे रखे, तो आप लिख दीजिए टू पेटेंट्स अकाउंट 7600। उसके बाद आप देखिए हमारे को मशीनरी दे रखी है टू मशीनरी अकाउंट 6000। उसके बाद बेटा हमें बिल्डिंग दी हुई है टू बिल्डिंग अकाउंट दैट इज 5000। उसके बाद गुडविल दी हुई है टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि डिजर्वेशन चैप्टर है इसमें जो गुडविल अपीयर करी है बिजनेस में वो भी ट्रांसफर कर दी जाती है जिस तरह से और असेट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्रेडिट साइन, क्रेडिटर्स दे रखे हमें क्वेश्चन में, हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, अपोजिट साइड लिखना है बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट 3142। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4000। ठीक है, 4000। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स बिल्डिंग ले गया तो बाय एक्स कैपिटल कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, जो वो बिल्डिंग ले गया है जितने में ले गया है वो लिखेंगे 7300। उसके बाद क्या हुआ, वाई जो है वाई कुछ एसेट्स को ले गया बाय वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ अमाउंट्स क्या क्या आएगा, देखो गुडविल बुक वैल्यू पर ले गया, गुडविल की वैल्यू बेटा 3000 है वो लिख दी, और उसके बाद जो है स्टॉक, स्टॉक जो हमारा है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 3498 दी हुई है, सेम वैल्यू पर लेगा, बुक वैल्यू पर लेगा। उसके बाद हम बात करें बेटा वो डेटर्स भी ले गया बुक वैल्यू पर, डेटर्स माने 1746 दी हुआ है, सेम वैल्यू पर ले गया। उसके अलावा वो क्या ले गया, पेटेंट्स ले गया 6500 रुपीज पर, और क्या ले गया बेटा मशीनरी ले गया 1500 पर। अब सबको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, मैं दोबारा चेक करके बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद वाई क्या ले गया, वो कहता मैं क्रेडिटर की पेमेंट कर दूंगा, तो टू वाई कैपिटल अकाउंट, उसने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है, हम देखे कितने में पेमेंट की है, कुछ लिखा नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू पर ली है, क्रेडिटर हमारे 3142 दिए हुए हैं, तो सारी की सारी पेमेंट वाई ने कर दी। उसके बाद जेड क्या कहता है, जेड कहता है कि मैं ना कंपनी के शेयर्स ले रहा हूँ, सी कंपनी के शेयर्स ले रहा हूँ बाय जेड कैपिटल अकाउंट। अब बड़े ध्यान से देखो जो सी कंपनी के शेयर्स हैं कितने हैं, सी कंपनी के शेयर्स बेटा 60 शेयर्स हैं, और 5 रुपये के हिसाब से ले गया, 60 × 5 मैं आपको ब्रैकेट में लिख के बता रही, 5 रुपये का शेयर है, 300 में वो शेयर्स ले गए। उसके बाद जो बी कंपनी के शेयर्स हैं वो तीनों ने ले लिए, किसने, एक्स ने भी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, बाय जेड कैपिटल अकाउंट, ये शेयर्स जो है वो ले गया। अब ये नहीं लिखा कितने में ले गया, तो वो हमने वही समझ लिया कि जो उसकी बुक वैल्यू उस पर मिल गया। आप देखिए बेटा आपके पास बी कंपनी के शेयर्स कितने हैं, 2000 है, 2000 को हम बांट देंगे उनकी रेशो में 2000 × 7/10 1400 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2/10 400 आ जाएगा और 1/10 200 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, हम
देखते हैं लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी, अगर प्रोपराइटर की पेमेंट हो भी है ठीक है, प्रोविजन की तो पेमेंट होती है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, करेंगे जब तो क्रेडिट साइड का आया 32986 और डेबिट का आया इस डेबिट साइड का 32466, तो मैंने डिफरेंस निकाला 520 का प्रॉफिट आया। अब 520 का जो प्रॉफिट आया बेटा हम पार्टनर में बांट लेंगे, दिखेंगे कि आपको प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वन वाई कैपिटल वन जेड कैपिटल वन 520। 520 का हमेशा देखिए 7/10 2/10 और 1/10 दे रखी है और निकाल लेंगे 7/10 354 आ गया पहले का, तो 2/10 करना 104 दूसरे का और 1/10 करो तो 52 हो जाता है ठीक है। एक मिनट में दोबारा से करती हूँ, 364 पहले का, दूसरे का 104, तीसरे का बेटा 52 ही आ जाएगा, तो हम सबको प्लस करते हैं ठीक है 520 आ गया। अब हम बताएंगे बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ठीक है, ये याद रखना है ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये वहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है 7300 जो हमें यहाँ पर साइड में लिखती है 7300 एक्स में और वाई में है 16244 और जेड में है 300 ठीक है, ये ठीक है 1400 5200 200 ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे ये जो प्रॉफिट निकालेंगे ये मैं साइड पर लिख दूँ बाकी ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है बेटा। 1400 400 200 ला देंगे हम इकट्ठा भी दिखा सकते थे, यहाँ एक्स में 7300 और 1400 प्लस कर देते, वाई में 16244 प्लस 400 प्लस कर देते, जेड में 300 में 200 प्लस कर देते तो भी ठीक होता, अगर आप अलग अलग करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए बेटा आप पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम एक्स वाई जेड है तो फॉर्मेट क्या बनेगा, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड ये साइड कौन सी साइड है बेटा, डेबिट साइड है ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड ये साइड कौन सी बेटा, क्रेडिट साइड है। अब पार्टनर के नेम के कॉलम के नीचे क्या लिखेंगे बेटा, रुपीज रूप्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्या दे रखे हैं, बैलेंस दे रखे हैं, हम वो रिवर्स लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए बेटा एक्स का है 3582 3582, वाई का बैलेंस दे रखा है 2720 और जेड का दे रखा है 16124। अब आपने देखा हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये मैंने बेटा साइड पर लिख लिया था, ये आया था पहले का 364 दूसरे का 104 और तीसरे का 52। उसके बाद हमने जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उसमें डेबिट में हमारा जो पार्टनर था वाई उसने पेमेंट मिली थी क्रेडिटर्स की, तो वहाँ पर लिखा था तो वाई कैपिटल अकाउंट अपोजिट लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, सारे के सारे क्रेडिटर की पेमेंट कर दी थी वाई ने, तो आप लिख देंगे वाई के अकाउंट में क्रेडिटर्स थे 3142। उसके बाद जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था क्रेडिट साइड हमने जो बाय एक्स बाय वाई बाय जेड किया था वो अपोजिट लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सा ये अमाउंट मैंने वहाँ से लिखा हुआ 7300 16244 और 300। एक बार और आया था जो उन्होंने शेयर्स लिए थे बिजनेस में से पार्टनरशिप फॉर्म में से, पहले ने 1400 के लिए थे, दूसरे ने 400 के लिए थे और तीसरे ने 200 के शेयर्स लिए थे ठीक है। अब देखेंगे कोई रिजर्व्स तो नहीं पड़ा हुआ तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस निकाल लेंगे ठीक है बेटा, क्लियर। अब हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस निकालते हुए हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसका टोटल ज़्यादा है इसका टोटल भी ज़्यादा है, तो पहले हम इसका टोटल लिख देते हैं
इसका बैलेंस यहाँ निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिख रखते हैं कैश अकाउंट, ये बैलेंस इधर इधर आएगी और इनका इधर आएगा बाय कैश अकाउंट, यानी कि ये बिजनेस में पैसा लाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, आप पहले इन दोनों का इधर का टोटल कर लो। ये आ गया 8700, इसका आ गया 16644। इसका भी मैं नहीं लिख रही, इसका रीज़न है कि उसका क्रेडिट ज़्यादा है। तो अब आप देखिए पहले का 3582 प्लस 364 कितना आ गया 4 6 जो है माइनस कर देंगे 8700 में से, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इसका आएगा 4754। हमारा आंसर आ गया 4754। पहले का क्या हम उसको क्या कर देंगे, सॉरी इधर आएगा 4754, उसको पैसे बिजनेस में लाने कर देंगे। सेम इसी तरह हम बात करें वाई की, तो वाई का देखिए बेटा वाई का क्रेडिट का टोटल आएगा 2720 प्लस 104 प्लस 3142, तो ऐड करके लिखो 5966 और इधर का टोटल है 16644, इसमें से 5966 माइनस करो। ठीक है 10678 ये भी पार्टनर भी करेगा बिजनेस में पैसे, तो इनका टोटल कर देंगे 8700, इसका आया 16644। अब उसका टोटल करेंगे 16176, ठीक है वो हम यहाँ पर लिख देंगे 16176, उसमें से 500 माइनस कर देंगे 16176 में से 500 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 15676, हम इसको क्या कर देंगे बेटा पेमेंट कर देंगे थर्ड पार्टी को, क्योंकि इसकी क्रेडिट कार्ड ज़्यादा डेबिट कम है। तो अब हम बेटा क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। ठीक है मैं यहीं पर ही बना देती हूँ कैश अकाउंट कैसे बनाना है। कैश अकाउंट जो है उसमें डेबिट साइड रिसिप्ट आती है और क्रेडिट साइड क्या आती है बेटा पेमेंट्स आती हैं। तो अभी हम लिख दीजिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है फिर क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड क्रेडिट है ये साइड डेबिट है। जो अमाउंट का कॉलम है बेटा उसके नीचे आप लिख दीजिए रुपीस रुपीस। कैश अकाउंट का फॉर्मेट पता चल गया, अब हम क्या करेंगे टू बैलेंस प्रो मान लिया, हमें बैलेंस शीट में ऐसा साइड कैश का बैलेंस दिया 244 दिया, फिर जो ये एक्स और वाई ब्रिंक कर रहे हैं एक्स और एक्स कितना ब्रिंक कर रहे हैं 4754, तो एक्स कैप लगाओ टू वाई कैप लगाओ, जो ब्रिंक कर रहे हैं वाई कितना 1067 लिख दिया। अब हमने पेमेंट किया जेड को, देखो टू कैश अकाउंट करके इस साइड दिए तो हम वहाँ पर लिख देंगे बाई जेड स्टेप टू 15676, दोनों का टोटल टैली कर गया। यहाँ पर हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्यों नहीं लिखा, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, देखो कोई भी एसेट हमारी बिजनेस ने जो है सेल नहीं की या कोई भी लेबिलिटी जो है किसने बिजनेस ने पे नहीं की, तो ये जो है कैश अकाउंट खत्म हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28B की, बेटा ये आप खुद करेंगे, सिर्फ इसके अंदर एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए तो क्या करना है बेटा, जब बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है जिस तरह से हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए क्रेडिटर्स बिल पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट में भी हमारी लेबिलिटी है उसको हम रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे और रियलाइजेशन की डेबिट में उसकी पेमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 करा रहे हैं आपकी बुक का ही, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:2, पी क्यू आर तीन पार्टनर जिनकी रेशियो 1:5, 2:5, 2:5 दे रखी है, देयर बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोस। बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं, पहले क्रेडिटर्स हैं बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये दोनों हमारी लाइबिलिटीज हैं, रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, कि उन्हें लोन प्रोवाइड किया 40,000 का, ये जो है हम कहाँ पर लिखेंगे बेटा कि उनका लोन अकाउंट अलग से बनाएंगे, और जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में लिखा है पी के ओ आर का, ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में बाय बैलेंस प्रोडाउन लिख देंगे। अब हम चले एस एस आर लैंडर्ड बिल्डिंग दी हुई है वो रियलाइजेशन की डेबिट में टू लैंडर्ड बिल्डिंग ट्रांसफर कर देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ वो भी टू ऑफिस इक्विपमेंट ट्रांसफर कर देंगे, स्टॉक दिया हुआ टू स्टॉक अकाउंट करके ट्रांसफर कर देंगे,
डेटर्स 60,000 के लिए मुझे ट्रांसफर करेंगे टू डेटर्स करके रियलाइजेशन की डेबिट में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। बैंक का बैलेंस दे रखा है वो हम बाद में क्या बनेंगे सबसे एंड में बैंक का अकाउंट बनाएंगे। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, पार्टनर एग्री टू डिसोल्व द फॉर्म ऑन दैट डेट। पार्टनर एग्री कर रहे कि फॉर्म को उस डेट को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कौन सी डेट पर 31 मार्च 2019 को। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजोल्यूशन। नंबर वन ऑफ द डेटर्स ऑफ फॉर 20,000 पे 12,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कि जिन डेटर से हमने 20,000 पे लेने थे उन्होंने कहा हम आपको 12,000 देंगे, एंड डेटर ऑफ 5,000 का गोल्ड बैंड, और 5,000 के डेटर्स हमारे बैड हो गए। अब हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे हमारे पास डेटर 60,000 के हैं, 60,000 में से 20,000 पहले तो निकाल दो तो कितने बच गए 40,000 में से 5,000 बैड हो गए तो उन्होंने कितने दिए हमें 35,000, और एक डेटर जो 20,000 वाले थे उन्होंने हमें 12,000 दिए। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, 60,000 के डेटर में से 20,000 वालों ने 12,000 दे दिए, वो हमने साइड पर लिख दिया कि 12,000 हमसे रिलाइज हो जाएगा, और बाकी जो डेटर है कि 40,000 में से 5,000 बैड हो गए तो उनसे कितने मिलेंगे 35,000, यानी कि 12,000 प्लस 35,000 हमें डेटर से 47,000 रिलाइज हुए। वो हम कहाँ पर लिख देंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट कर देंगे, और बैंक अकाउंट की डेबिट में टू रियलाइजेशन लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 20,000, हमने स्टॉक का पार्ट बेच दिया 20,000 का। जैसे हमने ऊपर डेट वाला पॉइंट किया उसमें ही हम स्टॉक को 20,000 ऐड करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। बीइंग 25% मोर देन द बुक वैल्यू, कि ये 25% मोर देन द बुक वैल्यू है। अगर हम बात करें कि आगे पॉइंट देखेंगे कि हमारा जो है बाकी स्टॉक का पार्ट का क्या बना, जब बनेगा फिर मैं उसके बाद बताऊंगी। मगर ये 25% मोर देन द वैल्यू है, यानी कि जो हमारी मान लो वैल्यू 100 rupees है तो 25% मोर पर बिकी है, यानी कि ये 125 पर बिकी है। तो आगे जो मेरी सोच जो पूछा होगा वो मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या करना है। आगे थर्ड पॉइंट, ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर फॉर 7,000 फुल सेटलमेंट। कि हमारे जो 7,000 के क्रेडिटर्स थे उन्होंने क्या कर लिया है, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए हम कोई भी एंट्री बिजनेस में नहीं करेंगे। अनदर क्रेडिटर ऑफ 40,000 वाज पेड ओनली 40% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बाकी जो 40,000 के क्रेडिटर हैं, अगर हम क्वेश्चन में देखें हमारे क्रेडिटर 210,000 के हैं, उसमें से 40,000 वालों ने 40% एक्सेप्ट कर लिया, 40,000 का 40% हो गया 16,000, तो रियलाइजेशन की डेबिट में टू बैंक अकाउंट 16,000 लिख देंगे क्रेडिटर की पेमेंट। और उसके अलावा कहता है रिमेनिंग क्रेडिटर एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। कि बाकी क्रेडिटर ने क्या कर दिया बेटा, स्टॉक को सेटलमेंट पर ले लिया, तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे बिजनेस में। क्लियर हो गया, तो हमें स्टॉक का जो है पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने मर्जी का स्टॉक ले लिया हमने उसकी एंट्री नहीं करनी। या तो यह था कि रिमेनिंग स्टॉक को हमने बेच दिया फिर तो बात करती है, लेकिन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट दे रखा है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया ना रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट आएगा और बैंक में बाय रियलाइजेशन आ जाएगा जो हमने क्रेडिटर को 16,000 की पेमेंट की है। अगला पॉइंट आता है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 20,000 वाज हैंडेड ओवर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दी गई है किसको, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी उसको, तो इसकी कोई एंट्री बिजनेस में नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ अनरिकॉर्डेड एसेट खत्म हो गई और दूसरी तरफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी खत्म हो गई। नंबर फाइव, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20% के लॉस पर बेची गई है, 5,00,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है, 20% करो तो 1,00,000 बनता है, ये लॉस है तो इसलिए माइनस करके 4,00,000 में रिलाइज हो गया। तो जैसे हमने डेटर को रिलाइज किया था, स्टॉक को बेचा था, ऐसे हम लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस करके बाय बैंक अकाउंट ही लिख सकते हैं, और बैंक में तो पता ही आपको टू रियलाइजेशन सारी एसेट्स रिलाइज हो गई। उसके बाद है कि उस लोन वाज सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ 30,000। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्योंकि हमने 40,000 देने थे और हम दे कितने 30,000, तो 10,000 जो है हमें क्या देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे। तो एंट्री सुन लेना बड़े ध्यान से सुनो, कि उस लोन अकाउंट एडेड 40,000 टू बैंक अकाउंट 30,000, तो बाकी कहाँ गया जो 10,000 है, वो टू रियलाइजेशन आ जाएगा 10,000। क्लियर हो गया ये 10,000 कहाँ से आया, कि 40,000 पे दे रहे थे, अगर पेमेंट 30,000 देंगे तो हमें 10,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो हम रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय की उस लोन लिख देंगे 10,000, और क्योंकि लोन अकाउंट में डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट और टू रियलाइजेशन लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट 30,000, टू रियलाइजेशन 10,000। उसके बाद बात करो लास्ट पॉइंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 16,000 पेड बाय आर, आर ने पे किए तो रियलाइजेशन में डेबिट में टू आर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और आर की कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। फिर हम देखेंगे कोई लायबिलिटी पेमेंट रह नहीं क्या।
यस रह गई है जो बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम क्या करेंगे उसकी पूरी पेमेंट कर देंगे। और लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट, कि आपको ये कहा गया आप नेसेसरी अकाउंट बनाओ। आपको पता है इसमें तीन अकाउंट बनेंगे, एक तो तीन क्यों चार ही बनेंगे, क्योंकि एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, एक यू का लोन अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा और लास्ट हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। किस तरह करना है वो मैं भी आपको बता दूँ। रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट क्या इसका, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जो हमें एसेट्स दे रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टोर, डेटर्स, ये सारे हम क्या कर देंगे डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे उनकी बुक वैल्यू पर। लाइबिलिटी साइड हमें क्या दे रखे, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और डेटर में से जो प्रोविजन हमें एसेट साइड में दिए हैं माइनस करे हुए तो वो भी क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट फॉर डेट, ये उनकी बुक वैल्यू पर लिख दिए। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा था कि जो 20,000 के डेटर्स हैं उन्होंने हमें 12,000 दे दिए, तो डेटर एक्चुअल में हमारे कितने थे, हमारे 60,000 के डेटर थे ना बेटा, जिसमें से 20,000 वालों ने 12,000 दे दिए, तो बाकी जो रह गए 40,000 में से 5,000 बैड हो गए, तो डेटर कितने रिलाइज हुए 35,000, टोटल डेटर्स कितने रिलाइज हैं 47,000, और उसके अलावा हमारा जो स्टॉक है वो 20,000 पर बिक गया तो वो भी हमने लिख दिया। उसके अलावा आप देखिए बेटा फिफ्थ पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग 20% लॉस पर बिक गई। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की है, 5 लाख का 20% कर दो 1 लाख होता है, 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की बिक गई। तो हमने सारी एसेट को रिलाइज करके कितना ले लिया, 4,67,000, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 4,67,000। जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे उसकी डेबिट में टू रियलाइजेशन 4,67,000 लिख देंगे। यहाँ पर मैं वैसे आपको लिख के बता रही हूँ एसेट्स रिलाइज, ये सारी एसेट को बेच कर हमें इतने पैसे रिलाइज हुए हैं। उसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, हमने क्रेडिटर की पेमेंट करनी है डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट करके, इसमें लिखा पड़ा है कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 7,000 ऑफिस इक्विपमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर 7,000 इन फुल सेटलमेंट, कि हमारे 7,000 के क्रेडिटर ने ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया है, इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि एक तरफ लाइबिलिटी खत्म हो गई एक तरफ एसेट खत्म हो गई। लेकिन जो बाकी 40,000 के क्रेडिटर्स हैं उसको 40% की पेमेंट करनी है, 40,000 का 40% हो गया 16,000 ये पेमेंट करनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कितनी पेमेंट करनी है, हमने एज इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट की 50,000 पेमेंट करी तो कुल पेमेंट हमारी 66,000 हो गई। उसके अलावा हमने ये भी बोला जो रिमेनिंग क्रेडिटर बच गए उन्होंने स्टॉक ले लिया सेटलमेंट पर, जो रिमेनिंग स्टॉक बच गया था तो इसकी कोई एंट्री नहीं होनी क्योंकि एक तरफ लाइबिलिटी खत्म होगी और एक तरफ क्या खत्म होगी एसेट खत्म होगी। फोर्थ पॉइंट में भी क्या था कि जो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे लिए है किसने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ने, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि यू का लोन, क्यों का लोन 40,000 था, हमने पेमेंट उसको 30,000 की है, 10,000 की हमें कम पेमेंट करनी पड़ी तो वो हमारा फायदा हो गया। अगर मैं जनरल एंट्री बताऊँ तो एंट्री होगी कि उस लोन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 30,000 टू रियलाइजेशन 10,000, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्यूज लोन 10,000। अब मुझे पूछते हैं मैम क्यों तो हमारा पार्टनर है इसका लोन का बैलेंस क्यों आया, बेटा इसका लोन का अलग से अकाउंट बनाएंगे, इसके लोन का बैलेंस ही इसलिए आया क्योंकि हमें गेन हुआ है, जैसे कि 40,000 पे करा था 30,000 पे किया तो 10,000 का गेन है। ऐसा भी हो सकता था 40,000 जो है पे करना था पर 50,000 पे करना पड़ा तो 10,000 का लॉस यहाँ पर आ जाता टू क्यूज लोन 10,000, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे बाय क्यूज लोन क्योंकि हमें फायदा हो गया इसलिए। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 कौन पे कर रहा है, आर कर रहा है टू आर कैपिटल अकाउंट, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाय रियलाइजेशन मिल जाएंगे आर के अकाउंट में। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का टोटल 8,50,000 आया, जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वो कम था तो हमने 8,50,000 में से ये वाला टोटल माइनस किया, इसका टोटल 7,40,000 आया, 7,40,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो बैलेंस ही फिगर आ जाएगी 1,10,000 जो हमारा लॉस है, तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल आर कैपिटल, रेशियो देंगे 1/5, 2/5, 2/5, 1/5 अगर हम करते हैं 22,000 आता है, 2/5, 44,000 आता है और 2/5, 44,000 आता है। अब बेटा हम क्या बनाएंगे क्यू का लोन अकाउंट, पहले क्यूज लोन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट क्यों का लोन जो लाइबिलिटी साइड दिया था अपोजिट साइड चलेंगे बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन 40,000, पेमेंट हमने की क्या कितनी की उसको टू बैंक अकाउंट करके 30,000 की और टू रियलाइजेशन 10,000 क्योंकि हमारे लिए गेन है। अच्छा मान लो हम हमारा जो बैलेंस यहाँ पर 40,000 होता है और पेमेंट हम 50,000 करते टू बैंक अकाउंट 50,000 आता और यहाँ पर बाय रियलाइजेशन 10,000 आ जाता और इस सिचुएशन में हमने उनको कम पेमेंट किया तो 10,000 का हमें गेन हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है
पर्टिकुलर स्पीकर हुआ, पर्टिकुलर स्पीच हुआ, ये साइड डेबिट साइड है, ये साइड क्रेडिट साइड है, पार्टी के नेम पे कॉलम हम क्या लिख देंगे, रुपीज रुपीज इधर भी लिख देंगे और उधर भी लिख देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पी के ओआर का जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ बेटा वो हम अपोजिट लिख देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा पी का बैलेंस देखिए 1 लाख है, क्यू का कितना है 2 लाख और आर का कितना बेटा 2 लाख, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो हमने क्या किया था, जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो लॉस आ गया था, लॉस हमने पार्टनर में बांट दिया था, उनकी उनकी जो रेशो दी हुई थी हमारी जो रेशो आई थी पार्टनर की 1/5 थी ना, पहले का 22,000 आया था, दूसरे का 44,000 आया था और तीसरे का 44,000 आया था। इसके अलावा जो हमारा पार्टनर है आर जो था उसने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए थे, तो हमने डेबिट में लिखा था टू आर के अकाउंट, वो क्रेडिट साइड जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि उसने हमारी लाइबिलिटी पे की है, हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके आर में हम 16,000 डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल जो है कितना आया था, पहले का आया 1 लाख, क्योंकि हमारे पास कोई रिजर्व की तरह तो पड़े नहीं थे, हम पार्टनर को कैसे बांटे, तो हमारे ये टोटल आया पहले का 1 लाख, दूसरे का आ गया 2 लाख और तीसरे का आ गया 2,16,000, ठीक है बेटा। फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू क्वेश्चन में हमें बैंक का बैलेंस है तो टू बैंक अकाउंट करके इनकी फाइनल पेमेंट कर देंगे, कितनी करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ बेटा। पहले हमने क्या लिखा, 1 लाख लिख दिया इसका टोटल, ठीक है, दूसरे का 2 लाख, फिर अगले का 2,16,000। अब हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस निकालते हैं हम क्या करेंगे, जो ये डेबिट साइड पर टोटल है उसको माइनस करेंगे, 1 लाख से 22,000 माइनस किए तो आ गया 78,000 और 2 लाख से 44,000 किया तो 1,56,000, चेक भी कर लेते हैं कि इसका आंसर ठीक है, यस। और अगले का क्या आ जाएगा, 2,16,000 में से 44,000 माइनस करते तो बैलेंस की फिगर आ गई 1,72,000। अब बेटा हम लास्ट बनाएंगे कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट फॉर्मेट है इसका पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैं जो बैलेंस शीट के अंदर बैंक का बैलेंस रखा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। फिर ये जो टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है ये मैंने क्या लिखा है, जो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उसकी क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 4,67,000 लिखा था, जो हमने एसेट रियलाइज की थी ये मैंने वो लिख दी। उसके बाद देखिए बेटा क्रेडिट साइड मैंने बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है, ये 66,000 का जो हमने अमाउंट लिखा है ये क्या है, जो हमने पेमेंट की है रियलाइजेशन की, डेबिट मैंने टू बैंक अकाउंट लिखा था और यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमने क्यू के लोन की पेमेंट की थी 30,000, क्यू के लोन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट लिखा था, बैंक अकाउंट में अपोजिट जाएंगे बाय की उस लोन अकाउंट 30,000। उसके बाद हमने अभी जो कैपिटल अकाउंट बनाया था पी के आर को पेमेंट्स करी थी उनकी कैपिटल की, ये आ गया अमाउंट्स, पी का 78,000, क्यू का 1,56,000 और आर का 1,72,000। अगर मैं टोटल करते दोनों तरफ का इक्वल आता है 5,02,000, 5,02,000। तो बेटा आज आपने इस वीडियो के अंदर क्या किया, क्वेश्चन नंबर 28A और ये क्वेश्चन जो है 29 था वो आपने किया। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, सी यू ट्यून विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।